ईशा और खानजादी के झगड़े में अब सलमान खान बरसे हैं। इन दोनों ने जिस तरीके से बात की थी, जिस तरीके से एक दूसरे को लेकर कीचड़ उछाला था, वाकई में ये बात बहुत गंदी दिख रही थी नेशनल टेलीविजन पर। दोनों लड़कियां जो हैं एक दूसरे पर जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, जो बातें बोल रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी साउंड कर रही थी। और यकीन मानिए, इसी बात को लेकर अब सलमान खान बरसे हैं। फिलर, बॉटॉक्स, ट्वीशा ने कहा, इसके अलावा जो है खानजादी ने कहा, दो घोड़ों की सवारी, ड्यूअल सिम। तो अब सलमान ने कहा है कि आप दोनों ही घटियापन की हदें पार कर रहे थे, दोनों ही ये नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत और तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ खानजादी बोलती हुई नजर आई है कि सर मुझे लगता है कि ईशा मुझसे जलती हैं, यही मुद्दा वो बहुत बार बोल चुकी हैं और ये बात जो है वो खुलकर बोलती है, ऐसा नहीं है कि दबे छिपे शब्दों में बोलती है। इस बात को खानजादी ने बहुत बार बोला है कि उसे लगता है कि ईशा जलती है और इस बात को लेकर उसने हमेशा अभिषेक से भी बात की है, हर किसी से बात की है। तो यहाँ इसी बात को लेकर जब सलमान ने पूछा तो वो वही बोलती नजर आई, पर सलमान ने कहा कि क्या आपको लगता है कि जो दोनों आप शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, जिस तरीके की बातें कर रही थी, जैसी चीज़ें एक दूसरे को बोल रही थी, क्या वो सही दिखती है नेशनल टेलीविजन पर। तो अब सलमान ने इन दोनों को ही फटकार लगाई है और साफ साफ कहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने जो हरकत की है वो बहुत ही घटिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि ईशा खानजादी के इस झगड़े में वाकई में कौन सही था, कौन गलत था और क्या वाकई में दोनों ने घटियापन की हदें पार कर दी? आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।